आंखें पूरी काली, ऊपर से लेकर नीचे तक बदन का हर हिस्सा टैटूज से ढका हुआ है। ऊपर ये वो आप तस्वीर देख रहे हैं वो दिल्ली के करण सिद्धू की है। अगर आपने अभी टैटू बनवाया है तो जानते होंगे कि उनमें कितना दर्द होता है, तो जरा सोचिए कि अपने पैशन के लिए करण ने कितना दर्द सहा होगा। कई बार तो हालात इतने बिगड़े कि उनकी जान पर बनाई। नेशनल टैटू डे पर हम आपको दुनिया के पहले फुल मॉडिफाइड बॉडी बिल्डर के बारे में बता रहे हैं, जिसने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं और गिनीज बुक तक में उसका नाम है। टैटोग्राफर करण के बॉडी के हर हिस्से पर टैटू है, वो चाहे आंख का सफेद हिस्सा हो, सिर हो, पैर हो या फिर प्राइवेट पार्ट। इतना ही नहीं, उन्होंने जीभ को भी मॉडिफाई किया है, जिसके बाद वो सांप की जीभ जैसी हो गई है। कानों को भी करण ने अलग शेप दिया है, दांत भी लोहे के लगवाए हुए हैं। दिल्ली के पंजाबी बाग में रहने वाले करण सिद्धू फिलहाल 32 साल के हैं। उनका खुद का टैटू पार्लर है, साथ ही साथ उन्होंने अपने शरीर पर भी न जाने कितने टैटूज बनवाए हैं। 16 साल की उम्र में सिद्धू ने टैटू बनवाना शुरू किया था, तभी उन्होंने अपनी बॉडी पर भी पहला टैटू बनवाया था। धीरे धीरे जब पैशन हावी हुआ तो करण सिद्धू आगे चलकर टैटोग्राफर करण बन गए। इतना ही नहीं, उन्होंने आधार कार्ड तक में अपना नाम टैटोग्राफर करण करवा लिया है। साथ ही साथ वो मानते हैं कि टैटोग्राफर करण के रूप में उनका ये नया जन्म है। टैटोग्राफर करण ने अपनी आई बॉल्स में टैटू करवाया हुआ है। करण का दावा है कि भारत में ऐसा करने वाले वो पहले शख्स हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क से आंखों के अंदर टैटू बनवाया था। करण बताते हैं कि इससे उनके अंधे होने तक का रिस्क था, लेकिन उन्होंने अपने पैशन के लिए इसे किया है। आंखों के अलावा करण ने पूरी बॉडी को टैटू से ढका हुआ है। करण कहते हैं कि भारत में फुल बॉडी सूट टैटू करवाने वाले वो पहले शख्स हैं। फुल बॉडी सूट टैटू से ये मतलब है कि सिर से लेकर पांव तक टैटू, इसमें प्राइवेट पार्ट भी शामिल हैं। मतलब शरीर के जिस हिस्से में टैटू बनने की 1% भी संभावना थी, वहां करण ने टैटू बनवाया है। बॉडी मॉडिफिकेशन को अगले लेवल पर ले जाने के लिए करण ने अपने असली दांत हटवाकर उनकी जगह मेटल के दांत लगवाए हैं। क्या उनको इन्हें लगवाकर दर्द नहीं होता? ये सवाल पूछने पर करण हंसते हुए कहते हैं, नहीं, ये क्रोम वाले दांत हैं, असली से भी ज्यादा मजबूत। करण ने बताया कि उन्होंने डेंटिस्ट से ही सलाह लेकर उनसे ही वो दांत लगवाए हैं। करण ने अपनी जीभ को काट कर सांप की तरह बनवाया है। इसमें जीभ को 3 बार मॉडिफाई किया गया है, जिससे कि वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। करण ने ये सब क्यों किया? इस पर वो कहते हैं कि उन्होंने अपने पैशन ड्रीम को पूरा करने के लिए जिंदगी को रिस्क में डाला था। टैटू बनवाना कोई आसान काम नहीं है, इसमें बहुत खून बहा, कई बार वो बेहोश भी हुए, लेकिन उनके परिवार ने इसमें पूरा सपोर्ट किया। करण के पापा प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, 62 साल की उम्र में भी वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं। करण ने बताया कि वो बॉडी बिल्डिंग पर फोकस कर रहे हैं। करण का दावा है कि वो देश के पहले फुली मॉडिफाइड बॉडी बिल्डर हैं। आगे टैटोग्राफर करण ने बताया कि उनकी लाइफ पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री भी जल्द आने वाली है, इसमें उनकी पूरी जर्नी को दिखाया जाएगा। टैटोग्राफर करण के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जो गिनीज बुक में दर्ज है। ये रिकॉर्ड करण ने गिनीज ऋषि नाम के भारतीय शख्स के साथ मिलकर बनाया था। ऋषि ने अपनी बॉडी पर 199 झंडे बनवाए थे। ये टैटू करण ने उनकी बॉडी पर बनाए थे। रिकॉर्ड 2010 में बना था, तब करण 19 साल के थे। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।